बचपन की दोस्त से की शादी, छठी क्लास में पहली मुलाकात, पत्नी संग जन्मों का साथ छोड़ अलविदा कह गए केके। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके के निधन के बाद म्यूजिकल इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है। केके के यूं अचानक जाने से उनके फैंस और सेलेब्स सदमे में हैं। खबर है कोलकाता में अपने कॉन्सर्ट के बाद केके की तबीयत बिगड़ी थी, इसके बाद वह गिर गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वह महज 53 साल के थे। केके उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नथ बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। उन्होंने अपने करियर में ढेरों गाने गाए और शोहरत कमाई, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को उन्होंने मीडिया की नजरों से दूर रखा। कम ही लोग जानते हैं कि केके ने अपने बचपन के प्यार से शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम ज्योति है। ज्योति संग उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। कैसे शुरू हुई थी केके और ज्योति की लव स्टोरी? केके ने कपिल शर्मा शो में बताया था कि ज्योति से उनकी पहली मुलाकात छठी क्लास में हुई थी। वहीं से वे दोनों अब तक साथ थे। वह सही में वन वुमन मैन भी थे। उन्होंने बताया था, मैंने एक ही लड़की को अपनी जिंदगी में डेट किया है और वह है मेरी पत्नी ज्योति। मैं शर्मिला लड़का था और उन्हें भी ढंग से डेट नहीं कर पाया था। कभी कभी मेरे बच्चे मुझे इस बात पर छेड़ते हैं। केके और ज्योति बचपन से साथ थे। दोनों ने 1991 में शादी कर ली थी, लेकिन शादी से पहले केके को अपने लिए नौकरी भी ढूंढनी पड़ी थी। उस समय कुछ न मिलने पर उन्होंने सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली थी। इसके बाद उनकी शादी हो गई, लेकिन 6 महीने में ही वह अपनी नौकरी से परेशान हो गए थे। अपनी पत्नी और पिता के सपोर्ट के चलते उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और उस राह पर चले जिस पर उनका चलना लिखा था, और वो राह थी म्यूजिक की। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।